गायब होने के बाद जब मैं वापस आई तो मेरे घर पे कोई और फैमिली रहने लगी थी। वाइफ को लगा कि मैं हस्बैंड की मिस्ट्रेस हूँ, दादी अम्मा को लगा कि मैं कोई भूत हूँ। सच में बहुत ही कंफ्यूजन था। थैंक यू ऑल ब्लिप की वजह से जो लोग बेघर हो चुके हैं उन्हें सहारा देने के लिए, और सुपर थैंक्स हमारे अपने स्पाइडरमैन को। थैंक यू मिस पार्कर मुझे बुलाने के लिए, और थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए। और थैंक यू स्पाइडरमैन, और ये भी वापस आएंगे फोटोज और वीडियोस के लिए। थैंक यू। मजा आ गया सच में। इतना कूल था, मैं नर्वस था, पता है? नर्वस तो मैं भी थी, बहुत फॉर्मल बिहेव कर रही थी। नहीं, सब सही तो था। हाँ, शायद तुम कंफर्टेबल नहीं थे पीटर। आप सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था। हाँ, पर कोई बात नहीं। थैंक यू। अपना पासपोर्ट ले आए। हाँ? और टूथपेस्ट। हाँ, ले लिया। हाय, सॉरी मुझे देर हो गई। हैप्पी। हे, वाओ, अच्छी लग रही हो। थैंक्स, तुम भी। थैंक यू। नई ड्रेस? हाँ, नई है। बियर्ड का न्यू स्टाइल? ये मेरी ब्लिप बियर्ड है, गायब होकर लौटा तो बड़ी हुई थी। ब्लिप बियर्ड। आई सी। एनीवे, सो ये चेक ऑफिस में खो गया था इसलिए लेट हो गया। कमाल की बात है ना, इतना बड़ा चेक खो गया। आई मीन चेक बड़ा है, अमाउंट बड़ा नहीं है, एक्चुअली दोनों बड़े हैं। पेपर पास नहीं आ पाई, बहुत बड़ा दिल इनका। उन्होंने पर्सनली सॉरी कहा है। मैं जरा जाकर अपनी डाइट दाल को तड़का लगा कर आती हूं। स्पाइडरमैन, बाहर जाओ। यस मैम। ये क्या था हैप्पी? अब काम की बात। निक फ्यूरी कॉल करने वाले हैं। निक फ्यूरी मुझे कॉल करने वाले हैं? हाँ। पर क्यों? तुम्हारे लिए कोई हीरोगिरी वाला काम होगा। तुम सुपर हीरो हो और वो सुपर हीरोस को ही कॉल करते हैं। देखो, मुझे लगता है अगर बात इतनी इंपॉर्टेंट होती तो वो किसी और को कॉल करते हैं, मुझे नहीं। मुझे नहीं लगता। देखा, नो कॉल ऑलरेडी, वही है। मुझे निक फ्यूरी से कोई बात नहीं। फोन उठाओ। क्यों? क्योंकि तुमने उनसे बात नहीं की तो मुझे बात करनी पड़ेगी, और मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। आपको उनसे क्यों नहीं बात करनी? मुझे उनसे डर लगता है। तुम फोन उठाओ ना। तुमने निक फ्यूरी का कॉल काट दिया? हाँ। निक फ्यूरी का कॉल कोई नहीं काटता। आपने वो सुना? वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा, मुझे उनसे बात करनी होगी। कॉल उन्हें, आई प्रॉमिस, मैं उन्हें कॉल करूंगा, प्रॉमिस। अभी के अभी उन्हें कॉल करो। आई प्रॉमिस, मैं उन्हें कॉल करूंगा। पर ट्रिप के बाद। ए, हाँ, वो आपसे बात करेगा। एक एक करके पूछिए प्लीज। आप हाँ? क्या अब आप एवेंजर्स के हेड हैं? नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट। अगर एलियंस वापस आए तो आप क्या करेंगे? कोई हमारे शहर की भी बात कर लो प्लीज। शांति कोस्टा फ्रॉम द न्यूज। आप टोनी स्टार्क की जगह लेने वाले हैं? अब कैसा लग रहा है आपको? सॉरी, ये आने के लिए थैंक यू सो मच।